दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एनाटोमी ऑफ यूरेथ्रा। इसके अंदर मैं आपके लिए बता देता हूँ क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसके जो पार्ट हैं यूरेथ्रा के, वो मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाऊँगा। इसके कुछ फीचर होते हैं वो आपको सबसे पहले हमें पता करें समझेंगे। उसके बाद आपको सेकेंड चीज़ आती है जो इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट आता है, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। इस पर शॉर्ट नोट आता है, इसी में कुछ डिफ़िकल्टी आती हैं, तो उसको हम डायग्राम की हेल्प से सेकेंड नंबर समझेंगे कैसे कैसे क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आपके मेन पार्ट ये होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके पार्ट्स के। तो पार्ट्स आपके देखिए, जो सबसे पहला जो पार्ट है वो आता है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। ठीक है, इनिशियल 3 सेंटीमीटर जो लेंथ होती है उसे वो होता है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है ना, वो आपका उसे वो कौन शेप का होता है, हॉर्स शू शेप्ड, और आपका ये आपका वाइडेस्ट होता है और मोस्ट डायलेटल पार्ट होता है। ठीक है, सबसे वाइडेस्ट और मोस्ट डायलेटेड पार्ट आपका प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा होता है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद सेकंड पार्ट आता है दोस्तों मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। ये आपको 2 सेंटीमीटर लेंथ होती है और ये आपका स्टार शेप्ड होता है और ये आपको नैरोस्ट और लीस्ट डायलेटेड पार्ट होता है। ठीक है, ये मोस्ट था मोस्ट डायलेटेड, ये लीस्ट डायलेटेड, ये वाइडेस्ट था, ये नैरोस्ट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है दोस्तों स्पॉन्ज यूरेथ्रा। स्पॉन्ज यूरेथ्रा की लेंथ होती है 15 सेंटीमीटर। इसके अंदर आपको क्या पता होना चाहिए, जो एक सबसे पहले बल्ब ऑफ पेनिस होता है वो होता है ट्रेपेजॉइड बॉडी शेप। जो ट्रेपेजॉइड शेप होता है उसका, और जो पिनाइल यूरेथ्रा होता है आगे वाला पार्ट, वो होता है जो ओरिजिनल स्लिट शेप्ड होता है ना, वो उसकी शेप्ड होती है। ठीक है, ये बात हुई हमारे स्पॉन्ज यूरेथ्रा के बारे में, जो 15 सेंटीमीटर का होता है। और लास्ट आपका टर्मिनल यूरेथ्रा। टर्मिनल यूरेथ्रा आपका जो टर्मिनल जो पार्ट होता है टर्मिनल यूरेथ्रा का, वो आपका होता है वर्टिकल स्लिट शेप्ड। यह आपका जो पिनाइल यूरेथ्रा था वो हॉरिजॉन्टल स्लिट शेप्ड था, लेकिन जो टर्मिनल पार्ट ऑफ जो टर्मिनल यूरेथ्रा है वो आपका वर्टिकल स्लिट शेप्ड होता है। ठीक है, तो ये बात की हमने, जो इसके पार्ट्स थे आपको इसके पार्ट्स बताना चाहिए, इनकी तीनों की लेंथ बताना चाहिए और आपकी इनकी शेप पता होनी चाहिए। शेप डाटो कई बार क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, जो आपको था ना हॉर्सू शेप्ड या सेमिलूनार शेप्ड। तो आपको इसके बारे में कई बार शॉर्ट नोट तो आता ही है। ठीक है, तो आपका एमसीक्यू के अंदर भी रोल आता है। तो आपका जो बीच वाला पार्ट है दोस्तों, आपका प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है ये वाले, इसके प्रोस्टेटिक लोब है जो बीच वाला पार्ट है ये वाला। ठीक है, इसके अंदर आपको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो स्पेस है ऊपर वाला, इसको बोलते हैं यूरेथ्रल क्रेस्ट। और जो आपका इसके अंदर बीच में एक डायलेटेड पार्ट है उसको बोलते हैं वेरू माउंटेनम। ठीक है, डायलेटेड पार्ट को वेरू माउंटेनम। और नीचे वाले को, जो नीचे वाला जो पार्ट बच गया, जो आउटर इसके सराउंडिंग स्पेस रह गया, उसको बोलते हैं प्रोस्टेटिक साइनस। ये क्या होता है, जो प्रोस्टेटिक ग्लैंड होता है ना, उनकी जो ओपनिंग होती है वो यहाँ पर प्रेजेंट होती है, जो येलो कलर में दिख रहा है आपको, वो प्रोस्टेटिक साइनस। ये आपको यूरेथ्रा क्रेस्ट और डायलेटेड पार्ट वेरू माउंटेनम। ठीक है, वेरू माउंटेनम वाला डायलेटेड पार्ट है, वहाँ पर कुछ ओपनिंग होती हैं दोस्तों। नंबर वन ओपनिंग होती है इजेक्युलेटरी डक्ट की, जो रेड ओपनिंग है, ये आपका ड्राइव होती है मिजोनेफ्रिक डक्ट से, डायरेक्ट एमसीक्यू आता है कई बार। और जो आपका जो ब्लू कलर में दिख रहा है ये होता है प्रोस्टेटिक यूट्रिकल। ये आपका एक ब्लाइंड ओपनिंग होती है और एक इसका रेमिनेंट होता है पैरामिजोनेफ्रिक डक्ट का। ठीक है, प्रोस्टेटिक यूट्रिकल एंड इजेक्युलेटरी डक्ट इसके अंदर मिलती हैं वेरू माउंटेनम के, जो आपकी किसे ड्राइव होती हैं डायरेक्ट एमसीक्यू पूछा जाता है। प्रोस्टेटिक साइनस आपका जो सराउंडिंग स्पेस है उसको बोलते हैं, और जो ये वाला पार्ट है ये उसको बोलते हैं यूरेथ्रल क्रेस्ट। तो ये डायग्राम था दोस्तों आपका प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा का। इससे पहले हम आपका जो क्रॉस सेक्शन था पार्ट थे वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, कैसे कैसे आपको यूरेथ्रा के अंदर कैसे आपको पार्ट पर याद रखने हैं या क्या उसके कुछ पॉइंट याद रखने हैं। और ये बात की हमने जो मेल यूरेथ्रा है उसकी, ठीक है, मेल यूरेथ्रा की हमने इस वीडियो के अंदर बात की है। तो होप कि दोस्तों इस वीडियो से आपको क्विक रिवाइज क्विक रिव्यू लग गया होगा, आपका आइडिया लग गया होगा इसके बारे में। तो यदि ऐसा है तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो पता चल जाए। और बाकी जो वीडियो हैं इसके लिए आपकी यूरिनरी ब्लैडर, हार्ट, लंग्स, किडनी, उसकी ऑलरेडी मैं बहुत कम टाइम के अंदर आपकी अच्छा खासा एनाटॉमी ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। आप उसकी प्लेलिस्ट एनाटॉमी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप देख सकते हो। तो और आपको जो डायग्राम है, आप डायग्राम जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, जिससे आपको
जल्दी से रिवाइज करना आपके लिए बहुत आसान होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक बाय।